डीएफओ साहब, अमेठी ज़िले के जगदीशपुर क्षेत्र से बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है कछुओं की, जी और वो सुल्तानपुर के रास्ते भेजते हैं। इनको रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या है, पूरा बता दे सर। अभी हाल ही में 23 तारीख को 23 अक्टूबर में जो है जीआरपी ने कुछ कछुओं को बरामद किया था, जिसको जो है उन्होंने पकड़ कर जो है उस पर FIR दर्ज करके अपनी कार्रवाई की। इतला देने पे हमारे विभाग के भी कर्मचारी गए, जिसको उन्होंने वन विभाग को सुपुर्द किया, जिसको CGM से अनुमति लेकर उसको हम लोग जो गोमती नदी में जो है प्रवास के लिए पुनर्प्रवास के लिए उसको उसमें छोड़ दिया गया। इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? इसकी रोकथाम के लिए जो टीम हमारी सक्रिय है, और अब कहीं से चोरी छिपे ले जाते हैं, लेकिन यह संज्ञान में अभी जो आया है इस पर हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई किया है। फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह सक्रिय किए जा हम रहे हैं। सक्रिय रहे, फ्लाइंग स्क्वाड सक्रिय रहे। जिले का जगदीशपुर क्षेत्र कछुओं के लिए गढ़ माना जाता है। यहाँ सर्वाधिक कछुए हैं, बड़े पैमाने पर होते हैं, इसीलिए तस्करों की सक्रियता भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी सुल्तानपुर जंक्शन से 73 कछुए पकड़े गए, जिनको गोमती नदी में छोड़ा गया। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पैमाने पर कछुओं की तस्करी सुल्तानपुर के रास्ते पश्चिम बंगाल हो रही है। वन विभाग की उड़न दस्ता टीम है, लेकिन वो इन तस्करों को नियंत्रित करने में नाकाम है, क्योंकि धरातल पर भी एक्टिव नहीं है। आशुतोष मिश्रा, सुल्तानपुर, ETV भारत।